तो फ्रेंड चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें टार्डन लिमिटेड के बारे में। सबसे बड़ी खबर आ गई दोस्तों अभी दो मिनट पहले ही, टारगेट इसका 20 रुपये होगा या अभी ये 200 रुपये होगा। माय गॉड, ये देख के पूरा स्टॉक मार्केट हिला। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगा, ये वीडियो पूरे स्टॉक मार्केट में भैया तबाही मचा दी। डोंट मिस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में ट्राइडेंट का एक भी यूनिट है या फिर टेक्सटाइल संबंधित ग्लोबी टेक्सटाइल या ईटीसी कोई भी स्टॉक है ना, तो भैया ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट सब कुछ छोड़ दो, ये वीडियो देख लो, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस, वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है। देखो दोस्तों विथ प्रूफ दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले आपको बताऊंगा आज क्या है क्या है इस पर बात ही नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास में ट्राइडेंट का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए नहीं है तो भी है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था किसी चीज का, किसी जो भी अपडेट आया था ना उसका, कि भाई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे बता दूंगा। अगर आपको ऐसे यकीन हो तो ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, या फिर अगर कमेंट करोगे मैं शाम को या कल आपको स्क्रीनशॉट देख के कि भैया मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको बता दूं, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा कि वीडियो में बताने क्या जा रहा हूं वो भी लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ट्राइडेंट 70 रुपये से गिर के 38 रुपये आ गया। ग्लोबी टेक्सटाइल देख लो 19-20 रुपये से गिर के 6-7 रुपये आ गया। मतलब दो टेक्सटाइल संबंधी बिजनेस और भी है, लेकिन हम है इनको कवर करते हैं आज। इस टाइम पर निक चल रहे थे, अब हुआ क्या था इसमें, देखो ये 8 करोड़ वाला फ्रॉड इसको छोड़ो। अब सरकार ने क्या किया मैं आपको बताऊं, सरकार ने पीएल स्कीम लाई है दोबारा। पहले एक आई थी, अब दूसरी हो रही है, उसमें इसको 19,000 करोड़ का करीब है फंड मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। तो अब है उसमें सबसे पहले ट्राइडेंट का नाम आ रहा है, मतलब सरकार भी इन क्षेत्रों की हेल्प कर रही है। क्यों हेल्प कर रही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में है ना ये टेक्सटाइल संबंधी बिजनेस में एक्सपोर्ट चाइना करता है, चाइना। तो हम लोग भी क्या चाह रहे हैं, हमारा इंडिया का नंबर है 5वें नंबर का, इंडिया का नंबर आता है ध्यान रखना। पहले चाइना का आता है, फिर बांग्लादेश का और पाकिस्तान बहुत का आता है, तो उनको अपन को छोड़ो, अपन को डायरेक्टली देखना है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या करता है टेक्सटाइल का, मतलब चाइना करता है, फिर क्या करता है इंडिया। तो सरकार ये चाह रही है कि हम सबसे ज्यादा नंबर 1 बने एक्सपोर्ट करने में टेक्सटाइल संबंधित में, और हमारा जो टारगेट होता है ना वो 70% के ऊपर होना चाहिए, 70% के ऊपर होना चाहिए। अभी कितना हो रहा है, पहले 30-34 होता था, लेकिन अभी 44 हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो सरकार क्या पीएलए स्कीम के तहत इनको फंड कर रही है भैया, फंड की हेल्प कर रही है इनकी। पहले 1000 करोड़ का था, तो अभी इसको क्या 1900 करोड़ का बना दिया। 19,000 है, 1900 करोड़ है, उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये मान लो आप, क्योंकि वो जो स्क्रीनशॉट था ना मैंने न्यूज पढ़ा था, तो वो क्या है मैं खो गया कहीं पे, तो हो गया होगा आईपैड में, किसी और आईपैड में चला गया, मोबाइल में देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा तो वहाँ पर दिखा दूंगा, लेकिन है ना अब पीएलए स्कीम के तहत इनको फंड मिलेगा, इनको राहत मिलेगी। तो टेक्सटाइल संबंधित जो भी काम है ना उनको सरकार हेल्प करिए, तो भैया इसमें अब सुनामी आने वाली है, ध्यान रखना। अब जिनके पास में ट्राइडन है ना, तो भैया ये क्रेश हुआ नहीं, ये दोबारा मौका दिया गया था आपको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल लो इसको, एक दोबारा मौका दिया जा रहा है। अब 2 रुपए का शेयर 70 रुपए चला गया, कोई बड़ी बात नहीं हुई ना। अब 38 रुपए का शेयर 200 भी चला जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब ट्राइडेंट जितना गिरना था गिर गया, अब आप एवरेज कर सकते हो, बिंदास और फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो। जिनके पास में नहीं था ना, पहले नहीं ले पाए, मौका नहीं था, पैसे नहीं था, ईटीसी, वो रीजन कोई भी हो सकता है, तो भैया उनको मौका दे रहा है ट्राइडेंट, अब आप बाई कर सकते हो। सपाट अपर सर्किट में अभी भी लॉक नहीं है, कभी भी बाई करो, कभी भी सेल करो। तो अगर जिनको ट्राइडेंट लेना है, देखो दोस्तों जिनको ट्राइडेंट लेना है वो टूट पड़े भैया, अब ये ऊपर ही जाएगा, ध्यान रखना, वो फ्रेश एंट्री कर ले। ऊपर के लेवल वाले हैं जो पैसे हैं तो एवरेज कर ले, पैसे नहीं है तो टाइटली होल्ड कर ले। ये तो टेक्सटाइल संबंधी ग्लोबी टेक्सटाइल भी है भैया, तो उनको भी आप होल्ड करें, फ्रेश एंट्री करें, कर ले। अब इनकी सरकार हेल्प कर रही है कि भैया टेक्सटाइल संबंधी में चाइना की कमर तोड़ दें और अपनी आए, क्योंकि अपना चाइना है, चाइना भैया किसको टिकने नहीं देता आपको पता है, तो चाइना के सामने खड़े होना इतना ईजी थोड़ी ना है। तो भैया सरकार इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, अब पीएलए स्कीम के तहत इनको बहुत ज़्यादा फंड मिलेगा, ध्यान रखना इसको। पहले पिछली बार मिला था 1000 करोड़ का था समथिंग, अभी 1900 करोड़ का, यानी कि पीएलए स्कीम की सेकेंड पार्ट आ रहा है इसमें अब। तो भैया ट्राइडन की अब लोट लगी है टेक्सटाइल संबंधित, अब भैया उनकी लोट लग रही है, क्योंकि सरकार वगैरह चाह रहे हैं कि भैया चाइना को मात देके हम आगे निकल जाए और सारा एक्सपोर्ट का काम है हम ही करें। तो चाइना का कॉम्पिटिटर के लिए भैया बहुत इमेज चाहिए ना चाइना, क्योंकि चाइना का पूरा मार्केट फैला हुआ है, सबसे ज्यादा वही कर रहा है ना, इस वजह से सरकार इनकी हेल्प कर रही है। तो सरकार हेल्प कर रही है, पीएलए स्कीम के तहत इनको फंड वगैरह मिल रहा है, तो भैया अब इसकी लोट लगने वाली है, ध्यान रखना। तो इतना ही कहूंगा
कि मौका है पकड़ लो पास, मौका है पकड़ लो, गोल्डन मौका है फ्रेश एंट्री का, गोल्डन मौका है एवरेज करने का, फिर हाथ नहीं आएगा पहले की तरह, ध्यान रखना इस बात का। तो जो लोग वेट कर रहे थे ना वो नीचे आने का 20 रुपये, अब भूल जाओ 20 रुपये, भूल जाओ, अब इसका टारगेट 200 होगा जल्दी, ध्यान रखना। तो भैया टूट पड़ो, बस इतना ही बोलूँगा, आगे आपकी मर्जी है, आपको देख लेना क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, लेकिन ये वक्त है ना इसको बाय करने का भैया, गोल्डन मौका है, ध्यान रखना। इसके तहत अभी ये भी भागेगा, ग्लोबी टेक्सटाइल भी भागेगा, सभी टेक्सटाइल वाली संबंध जो भी कंपनी है ना टेक्सटाइल से संबंधित बिजनेस है, उनको सभी को राहत मिलेगी, उनको सभी को फायदा होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अब इनकी लोट लगने वाली है, तो भैया टाइटली आप होल्ड कर सकते हो। अभी ये देखो जिन बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ट्राइडन में, सभी लोग बोल रहे हैं ये पसवा दिया मरवा दिया, ये वो होता है, देखो 70 रुपए का शेयर है 35 आ गया यार, तो भैया मौका दे रहा है, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ इस वीडियो में, बार बार बताने का इतना जोर दे रहा हूँ कि अभी ये मौका है, ध्यान रखना। अभी ये जल्दी ही 205 चला जाएगा, तो एवरेज कर सकते हो, फ्रेश इंट करते हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, थैंक यू।